नमस्कार, रजनी किचन एंड गार्डन में आपका स्वागत है। क्योंकि मैं एक बार में इतने रेसिपीज़ की वीडियोस डालती हूँ और दूसरी बार में पौधों की डालती हूँ। पीछे मैंने काफ़ी रेसिपीज़ की वीडियोस डाली थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ थी गर्मियों की। अब स्कूल खुलने वाले हैं कल से, तो प्लांट्स की देखभाल करते हैं। और बरसात भी हो गई है शुरू, तो बरसात में कई पौधों की देखभाल करनी ज़रूरी है। जहाँ बारिश पौधों के लिए एक वरदान साबित होती है, क्योंकि बारिश के पानी में न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे पत्ते हरे भरे होते हैं, जड़ें अच्छी होती हैं, उनके स्टेम्स अच्छी होती है। लेकिन वहीं सेक्युलेंट्स जो प्लांट्स होते हैं, जो रेगिस्तान वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए यह बरसात बहुत ज़्यादा अधिक बरसात अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इनमें तो अपने आप में ही इसकी लीव्स में, इसके स्टेम्स में, इसके कॉडेक्स में पानी स्टोर हो जाता है। तो चलते हैं एडेनियम की केयर की तरफ। कुछ ही टिप्स से यहाँ बहुत ही अच्छा फलेगा, फूलेगा, फूल देगा। नंबर वन में आता है सिफ्टिंग। तो सिफ्टिंग में आप इसे सेडी प्लेस में रख दीजिए, जैसे दो तीन बारिश का पानी इस में गिर जाए उसके बाद आप इसे शिफ्ट कर दीजिए सेडी प्लेस में, क्योंकि ऐसे करने से इस पौधे में ज़्यादा पानी नहीं भरेगा, नहीं तो इसका कॉडेक्स में पानी भर जाएगा और कॉडेक्स पूरी अच्छे से गल जाएगा और यह पौधा मर जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा बचाने का उपचार यही होता है बरसात में कि आप इसे सेडी प्लेस में रख दीजिए, ऐसी जगह जहां सनलाइट भी आती हो, क्योंकि सनलाइट इसे बहुत ही ज़रूरत होती है, सनलाइट की इसके फूलों के लिए, इसके लीव्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है सनलाइट। नंबर टू में आता है सॉइल चेक। तो इसके सॉइल को चेक कीजिएगा कि इसके सॉइल में बजरी, पत्थर, रेत, ये सब कुछ ज़्यादा मिक्स हैं कि नहीं, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा गिली नहीं होनी चाहिए, इसलिए पॉट में सिर्फ 25% सॉइल होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, बाकी 75% रेत, बजरी, या कंकड़, पत्थर, ईंट के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, इस तरह से आप कुछ भी इसके सॉइल में मिक्स कर दीजिए। और इसकी सॉइल गीली नहीं होनी चाहिए, जब आप यहाँ सारी चीज़ें डाल देंगे तो सॉइल कम हो जाएगी। आप ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि फिर ये जड़ कैसे पकड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही छोटी छोटी सी होती है, इसका कॉडेक्स ही मेन होता है और जड़ इसकी बहुत ही छोटी छोटी सी होती है, तो इसे कमी ही सॉइल की ज़रूरत होती है। और आप इस तरह से इसका एक मिक्सर बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। और नंबर थर्ड में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉट। और इसके लिए छोटा गमला लीजिए, बड़ा गमला नहीं, 4 इंची गमला इसके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक होता है, उससे भी छोटे में यहाँ चल जाता है, क्योंकि इसकी जड़ जैसे बता ही रही हूँ कि ज़्यादा नहीं होती है, तो 4 इंची गमले में यहाँ इसका कॉडेक्स भी अच्छा हो जाता है ऊपर से, और जड़ इसकी नीचे नहीं होती और पानी भी इसमें ज़्यादा ठहरता नहीं है। और फोर में आता है फंगीसाइड। फंगीसाइड आप ही जो भी आप पौधों में, अपने पौधों में और पौधों में फंगीसाइड का उपयोग करते हैं, वही इसमें कीजिए, स्प्रे कीजिए इसकी मिट्टी में और हल्का हल्का सा पत्तों में भी, ताकि इस मौसम में कीड़े कूड़े ज़्यादा लगते हैं तो कीड़े ना लगें इसके उसमें, क्योंकि इसकी स्टैम्प अंदर से इसका कॉडेक्स गिल गिला सा होता है, तो एक बार भी अगर जो किसी कीड़े ने उसे काट लिया तो वो अंदर घुस करके उसे नुकसान पहुंचाएगा, तो इसमें स्प्रे करते जाइए। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो विदाउट आयोडीन नमक, जो कंकड़ वाला नमक होता है ना, वो वाला नमक लाइए, उसके टुकड़े करके पानी में घोल दीजिए और उसका स्प्रे कीजिए। यह जो आप देख रहे हो कि श्रिंक हो रखा है, तो ऐसा गर्मियों में होता है, कम पानी की वजह से कई बार हम गर्मियों में इसे इग्नोर कर देते हैं, तो कम पानी हो जाता है तो श्रिंक हो जाता है, लेकिन बरसातों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बरसातों में एटमॉस्फेयर में खुद ही पानी होता है, तो हमारे प्लांट्स श्रिंक नहीं होंगे, यह केवल गर्मियों में यह प्रॉब्लम हो सकती है। और नंबर फिफ्थ में आता है कि आप इसे इस बरसात में रिपॉटिंग जब मजबूरी हो तभी करें, नहीं तो ना करें। रिपॉटिंग नहीं करनी है आपको, ना ही इसकी ज़्यादा कटिंग करनी है,
तो यहाँ फरवरी में की जाती है इसकी कटिंग, ना कि बरसात में की जाती है। जैसे और पौधों की हम कटिंग करते हैं ना, और उसमें और भी ब्रांचेस निकल आती है, लेकिन यहाँ इसमें सड़ने का डर होता है, क्योंकि इसकी पूरी स्टेम्स में भी पानी भरा होता है, थिकनेस होती है, तो उसमें कटिंग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। फरवरी के मौसम में इसकी कटिंग की जाती है। और नंबर 6 में आता है, अगर आपके पास में कोई सेडी प्लेस नहीं है और रोज़ है ना बारिश हो रही है, तो आप एक पॉलोथीन लीजिए, बड़ा सा पॉलोथीन लीजिए, पॉली बैग जिसमें सामान सामान भी आता है, उसकी ऐसी कटिंग कीजिए कि वह बड़ा सा हो जाए, और उसके ऊपर से आप बचाव के लिए उसके ऊपर से कवर कर दीजिए। और देखिए इसकी स्टैम्प कितनी थिकनेस सी होती है ना, इसके अंदर काफ़ी स्टोरेज में पानी होता है, तो इसकी स्टैम्प्स को ना छेड़े, क्योंकि यहाँ गलने के इसके चांसेस होते हैं, जैसे यहाँ गल गया था। तो जब भी आपका पौधा ऐसे लगे कि इसकी ब्रांच नीचे गिर गई और यह गलने लग गया, तो उसको वहाँ से आप काट के अलग कर दीजिए, उसमें फंगीसाइड पाउडर लगा दीजिए, कुछ समय बाद ब्रांचेस निकल आएंगी। हर एक मौसम में एडेनियम की केयर अलग अलग तरह से की जाती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद।